नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। अभी मैं LNJP हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर सुरेश जो इनके हेड हैं इनके साथ और इनकी पूरी टीम के साथ मुलाकात हुई। यहाँ पे जो कोरोना से संबंधित तैयारियाँ हैं उनका जायज़ा लेने के लिए आया था। LNJP हॉस्पिटल मुझे लगता है पूरे देश का सबसे नंबर वन हॉस्पिटल है, जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का यहाँ पे इलाज हुआ है। 22,000 से ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पे इलाज करा के ठीक होके घर जा चुके हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे दिल्ली में शायद अकेला हॉस्पिटल है जिसने कभी भी किसी भी महिला को प्रेगनेंसी में मना नहीं किया। 700 से ज़्यादा डिलीवरीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल डिलीवरीज़ हो चुकी हैं। तो गायने का भी पूरा इंतजाम है, कोरोना पेशेंट्स जो गायनी मदर्स हैं उनका भी पूरा इलाज है यहाँ पे, और न्यूनेटल का भी पूरा यहाँ पे प्रबंध किया हुआ है कि अगर कोरोना से संबंधित मदर है उनके जो बच्चे होते हैं उनके भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। अभी इस टाइम तो पूरी दिल्ली से लगभग सब जगह से यहीं पे भेजे जा रहे हैं, केसेस रेफ़र किए जा रहे हैं डिलीवरीज़ के लिए। दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। पिछली वेव के मुकाबले में ये वेव बहुत बहुत माइल्ड है। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोग सब एक बहुत माइल्ड वेव से डील कर रहे हैं, नहीं तो दूसरी जो अप्रैल में वेव आई थी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। इस वक्त जैसे 136 मरीज़ ओमिक्रॉन कोरोना के यहाँ पे अभी भर्ती हैं। मैं इनसे पूछ रहा था इन 136 में से कितने पेशेंट्स हैं जो कोरोना का बीमारी लेके आए थे। जैसे कई पेशेंट्स हैं जो कैंसर के लिए कोई आया इलाज कराने, तो उसका जब टेस्ट किया तो उसमें कोरोना निकल आया। किसी की हड्डी टूट गई, वो अपना उसके लिए आया, उसका इलाज किया, उसका चेक किया तो उसमें कोरोना निकल आया। ऐसे कितने पेशेंट्स हैं 136 में से जो ये कह के आए थे जी मेरे को कोरोना है, मुझे कोरोना का इलाज कराना है। 136 में से केवल 6 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना के इलाज के लिए आए थे। बाकी 136 में से 130 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें इंसिडेंटली कोरोना निकला, वो किसी और बीमारी के लिए आए थे लेकिन इंसिडेंटली कोरोना निकला। पहले आप लोगों को याद होगा कि जब अप्रैल में वेव आई थी उस वेव में तो लोग कोरोना के लिए ही इलाज कराने के लिए आ रहे थे। लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, लोगों को तरह तरह की तकलीफें हो रही थी और उसकी वजह से लोग आ रहे थे। ऐसे लोगों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा कम है। तो पूरे दिल्ली में आज जो 2,500 के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है, अगर बड़ी संख्या में केसेस बढ़ते भी हैं, लेकिन केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कुदरत की कृपा है कि हम अभी इस वक्त लोगों की अस्पताल हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही और डेथ्स भी इस बार बहुत कम है। आजकल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिखी है और तैयार करने को ICU सब दिल्ली की व्यवस्था क्या है, क्योंकि उस लिहाज से भी अगर देखें तो उनका कहना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी ज़रूरत पड़े। क्योंकि हम मैंने जैसे कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी तैयारी 37,000 बेड्स तक तैयार वो करने की है। हमने अभी तक 37,000 सारी अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स तक तैयार करके 10,000-11,000 ICUs हम दिल्ली में तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी उतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही है। एक सवाल और है, जैसे आपने खुद ने कहा कि 136 में से 130 वो हैं जो कोमॉर्बिड हैं और कोमॉर्बिड होने के बाद उनको इन्फेक्शन यहाँ मिला, तो ऐसे में मौत भी उन्हीं लोगों की ज़्यादा हुई है, तो उसके लिए स्पेशली कुछ आप लोगों ने इंतजाम किया है कि आज ऑर्डर भी निकाला है? नहीं, मैंने वही कहा कि वो लोग किसी और बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए आए थे और इंसिडेंटली उनको कोरोना भी मिला, तो वो जिस भी बीमारी का इलाज कराने के लिए आए थे उस बीमारी का इलाज तो हम कर ही रहे हैं। मान लीजिए कोई कैंसर का इलाज कराने आया, उनका कैंसर का भी इलाज चल रहा है और कोरोना का भी इलाज चल रहा है।
वो मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर था वो कराने आए, हार्ट की प्रॉब्लम थी वो कराने आए, उसका तो इलाज चल ही रहा है, अस्पताल हमारे पूरी तरह से इक्विप्ड है उस बारे में। सर, लेकिन उन लोगों को निश्चित कराना है क्योंकि जब आपने ये नए आदेश पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियां लगनी ही थी, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वो बेरोजगार हो जाएंगे पलायन जैसी स्थिति के लिए। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत 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 मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोज़गार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोज़गार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे, और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। कोई भी कुछ कह नहीं सकता, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पिछले 3 दिन से मामले जो हैं दिल्ली के अंदर ये लगभग 20,000 के करीब, मेरे ख्याल से पहले दिन 22,000 आए थे 3 दिन पहले, कल शायद 19,000 आए थे, आज जो शाम की रिपोर्ट आएगी उसमें 20,000 के करीब आएंगे। तो 20-22,000 के करीब मामले, और 24% 25% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ेंगे नहीं, बढ़ भी सकते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं, देखते हैं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन हम सारी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार हैं। मैं जो बात सवाल में पूछ रहा हूं, इसमें लोगों का ये डर है कि कहीं अब आप इस हफ्ते या एज लॉकडाउन नहीं लगा रहे, चिंता मत कीजिए। ये मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा, DDA में की बैठक में भी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे NCR को कवर करना पड़ेगा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो